गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी के टॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थिति के अनुक्रमण के अंतर्गत क्लाइमैक्स कंसेप्ट, चरमोत्कर्ष अवधारणा, चरमावस्था अवधारणा। सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइमैक्स कि चरमावस्था क्या होती है इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंतर्गत, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंतर्गत जो चरमावस्था कंसेप्ट है, अवधारणा है, ये क्या है। तो अगर अपन क्लासिकल इकोलॉजिकल थ्योरी की बात करें तो सक्सेशन, जब अपन जानते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, जो अपन पढ़ चुके हैं कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण वो एक प्रोसेस है, एक इकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत पायोनियर कम्युनिटी धीरे धीरे डेवलप हो करके बहुत सारी सीरियल कम्युनिटीज़, सीरियल जो समुदाय हैं उनमें से गुजरते हुए अल्टीमेटली एक इस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी, इस्टेब्लिश्ड या परमानेंट समुदाय, स्थाई समुदाय में कन्वर्ट हो जाती है। और किसी जगह पे जहाँ पहले कम्युनिटीज़ नहीं थी या जो कम्युनिटीज़ थी, जो समुदाय थे एक एरिया में, वो थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे उनमें चेंज होकर के अल्टीमेटली बिना चेंज होने वाली एक स्थायी समुदाय वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता है। और ये कोई भी इकोसिस्टम होता है उसके इक्विलिब्रियम को, साम्यावस्था को बनाए रखते हैं। वहाँ पे जो भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है किसी समुदाय में, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो टाइम के साथ धीरे धीरे उसको एक क्लाइमेक्स समुदाय में कन्वर्जन हो करके अल्टीमेटली एक परमानेंट कम्युनिटी का वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। तो जो एक स्थाई समुदाय, स्थायित्व को यदि कोई कम्युनिटी है जिसके अपन बात कर रहे हैं, वो एक स्थाई स्थिति को प्राप्त कर लेती है, उसके बाद उस वहाँ पर जो भी इकोसिस्टम है, जो समुदाय है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब वो समुदाय पहुँच जाता है वो उसकी क्लाइमेक्स स्टेज कहलाती है। अब अपन देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ क्लाइमेक्स। जो क्लाइमेक्स के टाइप हैं वो खूब सारे होते हैं। सबसे पहला है क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स। ये जो क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स होता है, इसकी जो क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स के अंतर्गत क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स, वो क्लाइमेक्स होता है किसी भी एक एरिया की जहाँ की अपन बात कर रहे हैं, वहाँ पर पाए जाने वाली जो भी चेंजेज हो रहे हैं, वो चेंजेज उस कम्युनिटी में, किसी एक एरिया में पाई जाने वाली कम्युनिटी में, वो क्लाइमेटिक फैक्टर के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। जो क्लाइमेटिक फैक्टर, वहाँ पाया जाने वाला क्लाइमेट है, वो क्लाइमेक्स को कंट्रोल करता है। और क्लाइमेट के कारण या क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण वो जो भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी या परमानेंट स्टेज डेवलप होते हुए किसी भी समुदाय की प्राप्त होती है, उसे अपन क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कहते हैं। इसका अगर अपन एग्जांपल देखें तो मैपल बीच क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो कि मॉइस्ट सॉइल में डेवलप होती है, और इसका जो डेवलपमेंट है वो फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जो टोटल फिजिकल कंडीशंस हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या है और वहाँ के जो बाकी एबायोटिक कंपोनेंट क्या हैं एक्सेप्ट सोइल के, तो ये जो कंट्रोलिंग फैक्टर काम करेंगे एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल होने में, तो इस तरह का क्लाइमेक्स कहलाता है क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स। दूसरा होता है इडेफिक क्लाइमेक्स। इडेफिक क्लाइमेक्स में क्या होता है कि इसमें एक क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ किसी भी एक रीजन में जो मॉडिफाइड हो रही है, उसके लिए मेन जो कंट्रोलिंग एजेंट फैक्टर होते हैं वो होते हैं इडेफिक फैक्टर्स। इडेफिक फैक्टर में अपन कंसिडर करते हैं जैसे कि जो सबस्ट्रेट होता है उस कम्युनिटी का, जो सरफेस होता है अर्थ का, वो कंसिडर करते हैं। जैसे कि इसमें कंसिडर करेंगे सोइल मॉइस्चर, मिट्टी में जो की जो नमी है, सोइल न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, टोपोग्राफी, स्लोप एक्सपोजर की वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, पहाड़ है कि पठार है कि मैदान है, और वहाँ पे होने वाली एनिमल एक्टिविटीज़ जैसे कि फायर
आग लग जाती है कहीं पर, एनिमल एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, इस वजह से हो रहा है कि जो भी इडेफिक फैक्टर यदि किसी भी क्लाइमेक्स पे पहुंचने के लिए पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंतर्गत यदि इस कंट्रोल करते हैं, इडेफिक फैक्टर के कारण क्लाइमेक्स आता है तो उसे अपन इडेफिक क्लाइमेक्स कहते हैं। अब है कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेक्स। कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेक्स क्या होता है कि किसी भी प्रलय के कारण, किसी भी बड़ी घटना हो जाने के कारण जो कोई भी क्लाइमेक्स का निर्माण होता है, एक क्लाइमेक्स पे कम्युनिटी पहुंचती है कि पहले से वहाँ पे ये वो कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेक्स वो क्लाइमेक्स होगा जहाँ पहले से कोई कम्युनिटी इस्टेब्लिश थी। ये जो अनुक्रमण होगा ये द्वितीयक प्रकार का पारिस्थितिकी अनुक्रमण होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी ना किसी, जैसे कि मेन इसका जो रीजन होता है कम्युनिटी के डिस्ट्रॉय होने का, एक पहले से कम्युनिटी थी और वो ख़त्म हो जाती है किसी कैटास्ट्रोफिक घटना के कारण, इवेंट के कारण, तो फिर वो कोई भी प्रलय आ जाती है उसकी वजह से होती है। तो मेन जो, जैसे कि फॉरेस्ट एक कम्युनिटी है जो इस्टेब्लिश्ड है, वो जंगल में आग लग जाने के कारण, वाइल्ड फायर, यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारे जंगलों में आग लग जाती है और वो जंगल ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद जो कम्युनिटी वहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में डेवलप होगी द्वितीयक पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के तहत, तो ये इस तरह का जो क्लाइमेक्स प्राप्त होगा उस क्लाइमेक्स को अपन कहते हैं कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेक्स। जैसे कि जंगलों में आग लग जाती है, और मेनली जो कैलिफोर्निया के जंगल हैं वहाँ पे बहुत आग लगती है और उसके कारण सारा वेजिटेशन रिमूव हो जाता है, और उसके बाद फिर से रैपिड डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे नई कम्युनिटी बनती है, रीस्टेब्लिश्ड होती है, और ये जो क्लाइमेक्स अपन को मिलेगा ये द्वितीय पारिस्थितिकी अनुक्रमण के तहत होगा और ये कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेक्स कहलाता है। इसके बाद है डिसक्लाइमेक्स। डिसक्लाइमेक्स में भी यही होता है कि डिसक्लाइमेक्स में क्या होता है कि कोई भी कम्युनिटी, एक इस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी है, लेकिन वो भी किसी ना किसी घटना के कारण वो क्लाइमेक्स पे जहाँ पहुँची हुई है, वो किसी डिस्टर्बेंस के कारण, वो क्लाइमेक्स जो अंतिम स्टेज, जो स्थायी अवस्था है उस समुदाय की, मान लो कि किसी कोई एक फॉरेस्ट कम्युनिटी है जहाँ पे जो अल्टीमेटली चरम अवस्था है उस पारिस्थितिकी अनुक्रमण की, वो बड़े ट्रीज हैं, बड़े पेड़ हैं, लेकिन किसी कारण से वो बड़े पेड़ ख़त्म हो जाते हैं, बड़े पेड़ सारे के सारे, सिर्फ बड़े पेड़ ख़त्म हो जाते हैं, वो कम्युनिटी स्थायी थी लेकिन वो ख़त्म हो गई, और उसके बाद जैसे कि अपन ह्यूमन एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन में भी ये होता है कि अपनी ज़रूरतों के लिए जो ह्यूमन है वो उसको डिस्टर्ब कर देता है एक कम्युनिटी को, तो फिर उसका जो क्लाइमेट है, वो जो क्लाइमेक्स है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो डिस्टर्ब्ड क्लाइमेक्स होता है और एक स्थायी क्लाइमेक्स है जो डिस्टर्ब हो गया, ख़त्म हो गया, तो और फिर नया क्लाइमेक्स वहाँ पे बनता है, तो ये क्लाइमेक्स डिसक्लाइमेक्स कहलाएगा या एंथ्रोपोजेनिक सब क्लाइमेक्स कहलाएगा। मैन जनरेटेड होगा, ये डिस्टर्बेंस क्लाइमेक्स होगा। इसमें यदि अपन एग्जाम्पल देखें तो एक डेजर्ट कम्युनिटी जिसमें कि बुशेज और कैक्टाई होते हैं, वहाँ पे कैक्टस होते हैं, तो वो जो ग्रासलैंड होती है उसको मेंटेन करते हैं, अपने आप ही मेंटेन करते हैं, ग्रासलैंड को मेंटेन करते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग की वजह से यदि उसको ख़त्म कर दिया जाता है तो वो जो वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी थी वो ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे नई कम्युनिटी का निर्माण होता है। इसके बाद है सब क्लाइमेक्स। सब क्लाइमेक्स जब कोई भी पारिस्थितिकी अनुक्रमण हो रहा होता है तो क्लाइमेक्स जो समुदाय है, क्लाइमेक्स परमानेंट जो स्टेज है, वहाँ पहुँचने से पहले परमानेंट, जैसे कि किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन की अपन बात करें कि वहाँ की लास्ट कम्युनिटी, इस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में ट्री है, ट्रीज़ का निर्माण, लेकिन वो ट्रीज़ के निर्माण से पहले क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन, बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर वहाँ का कुछ ऐसा काम कर रहा हो कि एनवायरमेंटल कंडीशन कंट्रोल करें, और वो उससे पहले वाली जो छोटे ट्री वाली स्टेज है, बड़े ट्री वाली जो फॉरेस्ट कम्युनिटी की स्टेज, परमानेंट स्टेज से पहले वाली जो स्टेज है, सीरियल स्टेज है, वो लंबे टाइम तक टिकी रहे और वो लास्ट जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है उसमें कन्वर्ट ना हो,
तो वो जो लंबे टाइम तक जो सक्सेशन परिस्थिति के अनुक्रमण रुक जाता है, तो वो जो सीरियल स्टेज होगी लास्ट से पहली वाली, सेकेंड लास्ट, वो उसका सब क्लाइमेक्स कहलाता है। अब है प्री क्लाइमेक्स, मैक्स और पोस्ट क्लाइमेक्स। प्री क्लाइमेक्स जो क्लाइमेक्स होता है वो क्लाइमेक्स से जस्ट पहले वाली स्टेज होती है, जो कि प्रोसेस के अंतर्गत ही होती है। जब अपन बात करते हैं इसकी कि सब क्लाइमेक्स की, तो वो तो लंबे टाइम तक टिका रहता है, पहली सीरियल स्टेज, सेकंड लास्ट स्टेज, तो वो तो सब क्लाइमेक्स होगा। लेकिन प्रोसेस के अंतर्गत ही लास्ट से पहले वाली स्टेज, कि वहाँ पे रुकती नहीं है, लेकिन लास्ट से पहले वाली स्टेज को प्री क्लाइमेक्स कहते हैं। और कई बार वो क्लाइमेक्स डिस्टर्ब होने के बाद उसमें स्थाई जो क्लाइमेक्स है, स्थाई जो अवस्था है, वो भी चेंज हो जाती है, जिसको अपन फिर नाम देते हैं। उस चेंज होकर के नया यदि क्लाइमेक्स बन जाता है तो उसको नाम दे दिया जाता है पोस्ट क्लाइमेक्स। वो होता है पोस्ट क्लाइमेक्स। अब अपन देखते हैं क्लाइमेक्स को लेकर के लगभग मेनली तीन थ्योरीज दी गई हैं, तीन सिद्धांत दिए गए हैं चरमावस्था को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए कि क्लाइमेक्स किस तरह से निर्माण होता है और कौन सा क्लाइमेक्स होता है। क्लाइमेक्स किसी भी कम्युनिटी का क्लाइमेक्स क्या होता है, इसको डिफाइन करने के लिए, इसको बताने के लिए, समझाने के लिए थ्योरीज सिद्धांत दिए गए हैं। तीन सिद्धांत इसके हैं, जिसमें पहला है मोनोक्लाइमेक्स और क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स थ्योरी, जो कि क्लीमेंट नाम के साइंटिस्ट ने 1916 में ये थ्योरी दी थी क्लाइमेक्स को समझाने के लिए, कि किसी भी कम्युनिटी में जो उसके क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, वो किसी भी परिस्थिति के अनुक्रमण के चरम अवस्था पर पहुंचने को कंट्रोल करते हैं और अल्टीमेटली एक सिंगल क्लाइमेक्स पे जाकर के परिस्थिति के अनुक्रमण रुकता है। इससे इस थ्योरी को नाम दिया गया था मोनोक्लाइमेक्स और क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स थ्योरी, जो कि क्लीमेंट के द्वारा दी गई है। उसके बाद दूसरी थ्योरी आती है पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। ये थ्योरी दी थी टेंसले नाम के साइंटिस्ट ने 1935 में, और इन्होंने ये बताया था कि किसी भी कम्युनिटी में जब परिस्थिति के अनुक्रमण हो रहा होता है, तो सिर्फ एक ही स्थायी अवस्था नहीं होती है एक जगह पे पाए जाने वाले समुदाय में, क्योंकि एक ही समुदाय नहीं, वहाँ पे बहुत सारे समुदाय होते हैं, और उन समुदायों के जो क्लाइमेक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और वहाँ पे पाए जाने वाली जो कंडीशंस होती हैं, मेनली इडेफिक कंडीशंस, जो कि सॉइल जिसमें अपन कंसिडर करते हैं, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल न्यूट्रिएंट, टोपोग्राफी, स्लोप एक्सपोजर, एनिमल एक्टिविटी, ये सब कंट्रोल करते हैं क्लाइमेक्स को। तो एडिफिक जो क्लाइमेक्स है, वो क्लाइमेक्स उसमें वहाँ पे इस्टेब्लिश होता है, और दूसरी चीज़ वो एक ही नहीं, एक से अधिक क्लाइमेक्स पे जाके वो अलग अलग डायरेक्शंस में क्लाइमेक्स पे पहुंचता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण, अलग अलग शाखाओं के रूप में बंट करके लास्ट में कई सारे क्लाइमेक्स पे पहुंच जाता है, और इडेफिक फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जो इडेफिक क्लाइमेक्स है, और इसे एडेफिक क्लाइमेक्स थ्योरी भी कहते हैं, और पोली क्लाइमेक्स थ्योरी इसे कहते हैं। इसके बाद लास्ट थ्योरी है क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी। क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी में ये विटाकर ने 1953 में दी, ये सबसे नई थ्योरी है, और इसमें इन्होंने ये बताया कि वैरायटी ऑफ क्लाइमेक्स, बहुत सारे क्लाइमेक्स किसी परिस्थिति के अनुक्रमण में पाए जा सकते हैं, और वो बहुत सारे फैक्टर्स से, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ क्लाइमेटिक फैक्टर से गवर्नड होंगे या कंट्रोल्ड होंगे, या फिर वो सिर्फ इडेफिक फैक्टर से कंट्रोल्ड होंगे, उनके जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स होते हैं वो भी वैरायटी ऑफ फैक्टर होते हैं, और जो क्लाइमेक्स होते हैं वो भी मल्टीपल टाइप ऑफ क्लाइमेक्स हो सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो भी पारिस्थितिकी अनुक्रमण है वो किन परिस्थितियों में हो रहा है, कौन से फैक्टर हैं वहाँ पे जो इस टाइम चेंज हो रहे हैं, क्या डिस्टर्ब हो रहा है, और कौन सी कम्युनिटी है, कौन से एरिया में है, तो उसके सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर उसके लिए जिम्मेदार होते हैं वो जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण के लिए, और उसी से क्लाइमेक्स निर्धारित होता है, जिसे कहते हैं क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी, जो कि विटाकर ने दी थी। इस तरह से आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।